टेक्नोलॉजी के मामले में अब यहाँ पर भारतीय रेलवे एक नेक्स्ट लेवल पर ही पहुँचती जा रही है। अभी इन्होंने रिसेंटली रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स, जिसे हम शॉर्ट में RFID टैग्स बोलते हैं, इसका इंस्टॉलेशन इन्होंने अपने वैगन्स में लगाना शुरू किया ही था कि अब यहाँ पर ये लोग सोच रहे कि GPS सिस्टम भी ये लोग अपने जितने भी सारे फ्लीट है, वैगन्स है, उन सब में लगा दे। इससे होगा ये कि रियल टाइम में एक काफी एक्यूरेट डेटा हमें मिल सकता है। इस GPS सिस्टम को लगाने के लिए अब यहाँ पर रेलवे ने कॉस्ट भी कैलकुलेट की है। उनका एस्टिमेटेड कॉस्ट होगा 600 करोड़ रुपीज। सो इतनी लागत से ये लोग पूरा जितना भी इनका फ्लीट है वैगन्स का, सब मालगाड़ियों में ये लोग फिट कर देंगे। यहाँ पर यूनियन बजट 2022-23 में प्रोविजन किया गया है कि 3 लाख वैगन्स को पूरी तरह से GPS टेक्नोलॉजी से लैस कर दिया जाएगा फॉर मैपिंग एंड विजिबिलिटी रियल टाइम बेसिस में। ये काफी ज्यादा इफेक्टिव होगा, साथ ही में हमारे जो अभी ऑपरेशंस हो रहे हैं ये भी फास्टर मोड में हो सकता है। भारतीय रेलवे का नेटवर्क कितना बड़ा है, इतने बड़े नेटवर्क में पैसेंजर और फ्रेट ट्रेन्स को चलाना डेफिनेटली काफी चैलेंजिंग टास्क बन जाता है। ऐसे में गड़बड़ी होना एक आम बात है। इसी गड़बड़ी को ये पूरी तरह से एलिमिनेट करने की क्षमता रखता है GPS और RFID टेक्नोलॉजी। वैसे GPS टेक्नोलॉजी काफी एक्सटेंसिवली हमारे लॉजिस्टिक, न केवल भारत में बल्कि पूरे दुनिया में बहुत ही डोमिनेटली यूज किया जा रहा है। इससे ट्रैकिंग बहुत ज्यादा ईजी हो जाती है, और अगर हम इसे वैगन्स में लगा दें तो हमें एग्जैक्ट पोजीशन पता चल सकती है कि कितने टाइम पर कहां पर कौन सी वाली मालगाड़ी है और कौन से वैगन में क्या सामान है, एवरीथिंग। यहां पर पूरा डेटा हमें मिल जाएगा। अर्लियर यहां पर एक ड्राइव लॉन्च किया गया था जहां पर RFID सिस्टम लगाने के लिए यहां पर काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा था। मोर देन 1 लाख वैगन्स में तो ऑलरेडी इस तरह के RFID सिस्टम को इंस्टॉल कर भी दिया गया है, और अब ये लोग GPS लगाएंगे। सो इससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि ये लोग पूरा टर्मिनेट कर देंगे RFID सिस्टम को, ये भी कंटिन्यू रहेगा, साथ में GPS सिस्टम भी कंटिन्यू रहेगा साइड बाय साइड। इनफैक्ट आने वाले 3 सालों में तो रेलवे ने ये भी टारगेट सेट किया है कि वो लोग तो 1,02,000 वैगन्स और एडिशनल अपनी फ्लीट में ऐड करेंगे। इसी साल की बात करें तो इन लोग का प्लान है 35,000, जी हाँ 35,000 वैगन्स, फ्रेट वैगन्स को ये लोग अपने फ्लीट में ऐड करेंगे। इसके अलावा अब और भी ज्यादा एडवांस नेक्स्ट लेवल के फ्रेट बोगीज भी ये लोग प्रोक्योर करेंगे। 10,000 ऐसे फ्रेट बोगीज को ये लोग प्रोक्योर करेंगे जिसमें इम्प्रूव डायनामिक परफॉर्मेंस और लो मेंटेनेंस के साथ यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा हायर एफिशिएंट होगी। सो असली पैसा अगर हम कहें तो भारतीय रेलवे को फ्रेट मूवमेंट से ही आता है, और इसी को अब और मजबूत बनाने के लिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है, जरूर से कमेंट कीजिएगा।